हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और मैंने कुछ टाइम पहले आप सभी के लिए एक हेक्सा ब्लेड बनाया था जो कि छोटी साइज का था, जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके बाद मुझे बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, विशाल भाई एक ज्वेलरी सा भी बना दीजिए यार, क्योंकि ऑनलाइन काफी ज्यादा महंगा मिल रहा है यार। तो फाइनली गाइस, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर ऐसा एक आइडिया लेके आ चुका हूँ जिससे आप ज्वेलरी सा बना सकते हो घर पे काफी कम रेट के अंदर। तो चालू करते हैं इस वाली वीडियो को, वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच करना क्योंकि ज्वेलरी सा जो होती है बहुत ज्यादा काम आती है क्राफ्ट के अंदर। तो अगर आप इसको घर पे बना लोगे तो काफी ज्यादा आपका फायदा हो जाएगा, आपका काफी कम रेट के अंदर काम हो जाएगा। तो चालू करते हैं इस वाली वीडियो को, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले लूंगा मैं लोहे का तार, और ये जो तार है गाइस थोड़ा अलग टाइप का है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये चौकोर तार है, गोल नहीं है, और ये आपको इजीली सलिए वाले की दुकान पे इजीली मिल जाएगा, जहाँ पर गडर मिलती है वहां पर इनको बांध कर लाया जाता है। तो ये आपको इजीली 5-10 रुपए में थोड़ा सा टुकड़ा दे देंगे वो इजीली। तो यहाँ पर इसको ठोक कर हम थोड़ा सीधा कर देंगे। फाइनली गाइस, हमारा जो तार है यहाँ पर सीधा हो चुका है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शेप देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 सेंटीमीटर में मार्किंग लगा दूंगा मैं, उसके बाद इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद इसको थोड़ा यहाँ पर मोड़ देंगे। तो आप इसमें देख सकते हो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, मोटाई कम है। तो इसकी जो चौड़ाई ज्यादा है ना, वहां से इसको मोड़ना है, इसको मतलब जहां से ये पतला है वहां से नहीं मोड़ना, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो उसी टाइप से यहाँ पर काम करना है, ठीक है गाइस। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर आगे से इसको इस टाइप से मोड़ दिया है। अब यहाँ पर वापिस से मैं स्केल लूंगा और 15 सेंटीमीटर में मार्किंग लगा दूंगा। वापिस हम इसको गर्म करेंगे और यहाँ पर इस टाइप से मोड़ देंगे। अब यहाँ पर आगे की साइड में 9 सेंटीमीटर से जो मोड़ा था हमने, उसी टाइप से 9 सेंटीमीटर पे वापस से मोड़ देंगे इसको। और पीछे की साइड में जो गाइस इसकी यहाँ पर टेल जो है वो हमारा हैंडल बन जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर इसका डिजाइन पूरा हो चुका है। अब हमें लोहे की एक शीट चाहिए। लोहे की शीट के लिए यहाँ पर गाइज मैंने एक लोहे का पाइप लिया है चौकोर, और उसको कट करके यहाँ पर एक मैंने शीट निकाल ली है। गाइज अगर आपको नॉर्मली इजीली मिल जाती है तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो फाइनली अब यहाँ पर इस शीट के ऊपर हम ड्राइंग बनाएंगे। ये जो ड्राइंग है मैंने खुद ने बनाई है यहाँ पर, तो अपने अनुसार भी आप बना सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं आता है डिजाइन तो आप वीडियो में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। तो गाइस फाइनली हमारे यहाँ पर पीस कट हो चुका है। अब गाइस इसके अंदर हमें 3 होल करने होंगे, तो यहाँ पर मैं मार्किंग लगा दूंगा और यहाँ पर इस पर ड्रिल मशीन से होल कर देंगे। फाइनली गाइस हमारे 3 होल हो चुके हैं यहाँ पर। अब हमारी जो फ्रेम है गाइस उसके आगे की साइड में यहाँ पर मैंने 2 होल किए हैं, और यहाँ पर कुछ रिबिट्स लेने वाला हूँ मैं। ये आपको लोहे की शॉप पर इजिली मिल जाएगा, जहाँ पर नट बोल्ट्स और कील व्हील मिलता है। इन दोनों होल के अंदर रिबिट्स लगाएंगे हम यहाँ पर, और हमारे जो पीस यहाँ पर कट किया था शीट से लोहे की, उसको रखकर ठोक देंगे रिबिट्स को। तो गाइस फाइनली हमारे यहाँ पर पीस अच्छे से लग चुका है, और यहाँ पर ये खुलने वाला नहीं है। हम मार्केट से भी लाते हैं गाइस, जो हमारी ज्वेलरी है उसके अंदर भी इस टाइप के रिबिट्स लगे होते हैं। एक और मैंने इसी टाइप का दूसरा पीस बनाया है, जिसको मैं पीछे की साइड में रिबिट्स के द्वारा ठोक दूंगा। फाइनली गाइस यहाँ पर दोनों पीसेस हमारे लग चुके हैं रिबिट के द्वारा। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो फ्रेम है वो यहाँ पर अच्छे से बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें 2 स्क्रू बनाने होंगे जिससे हमारे वायर को हम टाइट कर सकें। तो गाइज मैंने यहाँ पर एक मोटा सा स्क्रू लिया है, और उसके बीच में कट लगाकर सोल्डरिंग डाल दूंगा मैं। अब यहाँ पर एक वाइसर लेंगे गाइज, और वाइसर को सोल्डरिंग के द्वारा यहाँ पर ऊपर फिट कर देंगे जो हमने यहाँ पर कट लगाया उसके अंदर। अब यहाँ पर मैंने लोहे का एक चौकोर एक पीस कट किया है जिसके बीच में होल कर दिया है। तो यहाँ पर हमें इसको जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी टाइप से यहाँ पर सेट करना है, और ऊपर की साइड में यहाँ पर एक नट लगा देंगे और यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर देंगे। फाइनली गाइज यहाँ पर हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये एक टाइप की चाबी बन चुकी है जिससे हम यहाँ पर ढीला और टाइट करके हमारा जो कटर है उसको निकाल सकते हैं, ब्लेड जो है उसको हम निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ जो हमारा यहाँ पर स्क्रू वाला और दूसरी तरफ हमारा बोल्ट वाला लग जाएगा, और इस टाइप से हम चाबी को टाइट और ढीला कर सकते हैं। इसके
इसका एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट कर दिया और दोनों तरफ इस टाइप का बनाकर लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा गैप रहेगा, इसको ढीला करेंगे और टाइट करेंगे तो बिल्कुल ये टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फाइनली अब यहाँ पर मैं एक पाइप लूंगा जिससे हमारा हैंडल बनने वाला है पीछे की साइड में। तो यहाँ पर इसकी जितना लंबा आपको हैंडल रखना है उतना आप कर सकते हो और यहाँ पर इसको कट कर देंगे। फाइनली गाइस हमारा पाइप कट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको पीछे चिपकाना होगा, जिसके लिए यहाँ पर एमसील का यूज करने वाला हूँ। एमसील को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है यहाँ पर और दो पार्ट ले लिए, एक तो आगे की साइड में लगा देंगे और एक पीछे की साइड में लगा देंगे। गाइस एमसील जो सूखने के बाद बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाएगी, जो कि हमारा इस हैंडल को काफी सपोर्ट देगा। तो फाइनली गाइस ये सूख चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर कलर करेंगे जिससे ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो यहाँ पर गाइस मैं ब्लैक कलर करने वाला हूँ, आप कोई सा भी कलर कर सकते हो, रेड ग्रीन जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो इसके अंदर। तो लीजिए गाइस हमारी ज्वेलरी साथ जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर जो गाइस अब इसके अंदर हम धागा लगाएंगे, धागा बोल सकते हो इसको, आप कटिंग ब्लेड बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, जैसे कि हमारे सिर का बाल होता है ना, उससे थोड़ा मोटा होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। इसके अंदर जो है हमारी जो साव होती है उसी टाइप के तीत होते हैं बारीक बारीक, जो कि इसको कटिंग करवाने के लिए काम आती है। तो यहाँ पर हम पीछे की साइड में इसको लगा देंगे और जैसे आप मार्केट से लाते हो ज्वेलरी सा, उसी टाइप से इसको फिट करना है। जैसे दोनों तरफ से इस टाइप से दबाएंगे और यहाँ पर धागे को फंसाएंगे और यहाँ पर वापस से टाइट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर जो इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, अगर कैमरे के सामने, तो मैंने इसको लगा दिया है और यहाँ पर ये इतना ज़्यादा पतला है कि कैमरा फोकस भी नहीं कर पा रहा है इसके ऊपर। अब यहाँ पर गाइज इसको हम कुछ भी कट कर सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी सा जो है जो काम करती वो यहाँ पर पूरा का पूरा ये काम करने वाला है, क्योंकि हमने इसको पूरा घर पर टोटली बनाया है और इसको बनाने में काफ़ी कम आपका पैसा लगेगा, क्योंकि गाइज हमें बस ये वायर लाना है जो कि आपको 5-10 रुपये में इजीली मिल जाएगा। उसके बाद नट बोल्ट्स और ये सब आपके पास ऑलरेडी होगा। और इसका जो है कटिंग ब्लेड है गाइज, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर ऑफलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। इससे आप कुछ भी डिज़ाइन कट कर सकते हो, कुछ भी आप इससे कट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा DIY प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बहुत सारे, उसमें यूज़ लिया जाता है। और ये काफ़ी अच्छे से काम करता है गाइज, जैसे मार्केट से लाते हैं उसी टाइप से यहाँ पर काम कर रहा है। सो गाइस फाइनली आप सभी ने देखा भी कि हमारी ज्वेलरी साहब ने घर पे बना ली है और काफ़ी कम रेट के अंदर बनके तैयार भी हो चुकी है। अगर मान लीजिए अगर आप ज्वेलरी साहब ऑनलाइन परचेस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी, और जिस रेट में हमने यहाँ पर ज्वेलरी साहब बनाया है उस रेट में तो आपके इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो भी नहीं मिलने वाले आपको। तो यार काफ़ी कम रेट में हमारा काम पूरा हो चुका है और आप सभी के लिए यार मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। आप देख सकते हो कि पानी का सीज़न है, अभी हाल पानी आ रहा था, हम काफ़ी देर से रुके हुए थे, जैसे पानी बंद हुआ आपके लिए शूट पे लिए आए, आपको नए नए आइडिया देते हैं। तो आपको यार क्या होता है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो यार फॉलो ज़रूर कर लीजिए और हमारी जो नई नई वीडियो आती है उसको देखिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है आपके लिए, नए नए आइडियाज़ लेने के लिए मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा अभी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और मिलता है वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बडीज।